हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉयल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसमें हमारी अभी तक की क्लासेस दोस्तों लेक्चर जो है 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा लेक्चर है ये 14 होने जा रहा है। 13 लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने एकात्मक शासन प्रणाली को देखा था दोस्तों, जिसमें आज हम संघात्मक शासन प्रणाली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने एकात्मक शासन प्रणाली का जो हमारा लेक्चर था उसको अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आपको उसमें देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, या आपका जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके लास्ट में स्क्रीन पर भी दोस्तों आपको जो है उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो इस सेशन पर नए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर, लोधाजी क्लासेस के इस चैनल पर जो है सभी बीए की सभी क्लासेस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको ऐसा फील ना हो या कोई डाउट आपके पास शेष ना बचे, जिससे कि आप अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस करें। उसके लिए दोस्तों हमने आपको स्टडी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आपको व्हाट्सएप और कॉल की सुविधा प्रोवाइड की हुई है, जिससे आप अपने सभी प्रकार के डाउट क्लियर कर सके डायरेक्टली मुझे या मेरी टीम को कॉल करके या व्हाट्सएप करके। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ दोस्तों सेशन में बढ़ते हैं आगे, और इसमें अभी हम 4 यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट सेशन से, जिसमें हमने एकात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें एक समग्र चर्चा की और समझने का प्रयास किया कि एकात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। ठीक, इसमें हम बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की, कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। ठीक है, अगर आपने एकात्मक शासन व्यवस्था का कंप्लीट वीडियो को पूरा देखा है, उसको समझा है, तो संघात्मक शासन प्रणाली को समझने में आपको 1% भी समस्या नहीं आने वाली है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा इसके लक्षण और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ में इसके गुण और दोष, क्या क्या इसकी जो है खासियत है और क्या क्या इसमें कमी है, उन सबको हम यहाँ पर देखते चलेंगे। और साथ में दोस्तों एंड में हम एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच में अंतर देखेंगे, जिससे हमारे दोनों टॉपिक हम एक साथ रखकर पढ़ेंगे, जिससे दोनों टॉपिक हमारे पूरी कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते दोस्तों। उससे पहले टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके लिए हर स्लाइड में लेकर आता हूं, हर लेक्चर में लेकर आता हूं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जब आप कोई टॉपिक शुरू करने वाले होते हैं, उससे पहले अगर आप उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को पहले पढ़ ले दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बने रहते हैं और पूरा टॉपिक पढ़ते वक्त वो क्वेश्चनों का आंसर, आपका दिमाग जो होता है वो क्वेश्चनों का आंसर पूरे टॉपिक में ढूंढता रहता है। ठीक है, और यही मेरा उद्देश्य होता है आपको क्वेश्चन पहले प्रोवाइड करने का। चलिए, तो इसमें किस प्रकार क्या क्या हमको अर्थात कौन कौन से सवाल का जवाब हमें इसके अंदर ढूंढने का प्रयास करना है, तो वो है संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे दोस्तों संघात्मक शासन का अर्थ पूछ रहा है, और साथ में इसकी विशेषता बताइए, अर्थात की विशेषताओं को बताते हुए संघात्मक शासन का अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। इसके बाद देखना है संघात्मक शासन की परिभाषा और संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण, या कहें कि वही विशेषताओं को लक्षण भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा संघात्मक शासन के प्रमुख गुण एवं दोष दोनों की विवेचना करना है, और एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बीच में अंतर बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी आप इस स्लाइड को, इस पूरी क्लास नोट को आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अपने सेशन में, शुरू करते हैं, जानते हैं संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करेंगे और पहले ये सोचिए कि जब फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था, फर्स्ट अर्थात कि इससे पहले का जो लेक्चर हमने देखा था, जिसमें हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की बात की थी, उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो शासन की संपूर्ण शक्तियां होती है वो अधिकतम शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास में। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है, अर्थात कि यहां पर दोनों को
जो है कुछ शक्तियां अलग अलग लिखित रूप में प्रोवाइड की जाती है, और ये प्रोवाइड कौन करता है, ये शक्तियां देता कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, तो दोस्तों वो देता है हमारा संविधान। ठीक है, तो संविधान में स्पष्ट तौर पर इन शक्तियों के बारे में लिख दिया जाता है और बता दिया जाता है कि राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेगी, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेगी। ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड को पढ़ते हैं, अब इसे पूरा आप समझते चलेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार को तथा प्रांतीय अर्थात राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दोनों पक्षों में कोई एक इस शक्ति का संशोधन ना कर सके। तो सिंपल सी बात यही है कि जो शक्तियां होती है पूरे देश की, पूरे प्रशासन की, उन शक्तियों का विभाजन दोनों के मध्य कर दिया जाता है संविधान के द्वारा लिखित फॉर्मेट में, लिखित रूप से। ठीक है, और संविधान में साथ में यह भी व्यवस्था की जाती है कि इन संविधान की इस फॉर्मेट में, शक्ति वाले फॉर्मेट में, कोई एक केंद्र या राज्य अकेले संशोधन ना कर सके। जब भी केंद्र सरकार को या विधायिका को संविधान में इस पार्ट में, शक्ति वाले पार्ट में जब भी संशोधन करना होगा, तो उस केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की परमिशन लेनी ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अब इसकी परिभाषाओं में अगर हम बात करें तो इसमें गार्डनर साहब ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि संघात्मक शासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच ही शासन के अधीन होती है, अर्थात केंद्र और प्रांतीय सरकारें एक ही शासन के अंतर्गत चलते हैं, है ना। शासन व्यवस्था एक ही होती है, एक ही शासन व्यवस्था के अंदर दोनों अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो दोस्तों सभी राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख है। ठीक है, और जब हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में केंद्र सरकार प्रमुख होती है। ठीक है, जिसे आगे देखते हैं कि जिसे संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है। ठीक है, तो भाई राज्य, किसी राज्य की स्थिति क्या होगी, केंद्र की स्थिति क्या होगी, इन सब की स्थिति इन सब की शक्तियों पर निर्धारित होती है, और शक्तियां कौन निश्चित करता है, संविधान निश्चित करता है। संविधान ही कहेगा कि इससे संबंधित एक कानून लेकर आइए, कानून बनाइए, और उस कानून के तहत ही दोस्तों ये शासन व्यवस्था संचालित तो होती है। क्लियर हो पा रहा है, समझते चल रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट परिभाषा और देख लेते हैं। एक और है, डाइसी साहब का कहना है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करता है या करना है। तो यहां पर डाइसी साहब ने कहा है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है, और जब दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध होते हैं तो उस देश की शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित तो होती है, और साथ में राज्य और केंद्र दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है जिससे देश का विकास भी उचित रूप से हो पाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे संघात्मक शासन के लक्षण या विशेषताओं पर। संघात्मक शासन के क्या क्या लक्षण है और क्या विशेषता है दोस्तों, इस पर एक हम समग्र चर्चा करेंगे, और इनको 5 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के तहत ये 5 पॉइंट मैंने आपको दे रखे हैं जो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, इसमें जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक है दोहरी नागरिकता। जैसा कि हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा था उसमें दोस्तों एकल नागरिकता प्रमुख थी, कि एकात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है, एकल नागरिकता ही होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की, संघात्मक शासन प्रणाली की, तो दोस्तों उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है, जैसे कि भारत में आप देख लीजिए, है ना, माफ कीजिएगा, अमेरिका में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अमेरिका से ही ले सकते हैं कि अमेरिका की शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। दूसरा, संप्रभुता का दोहरा प्रयोग होता है। संप्रभुता का दोहरा प्रयोग अर्थात कि जो वहां के नागरिक होते हैं उन नागरिकों को
केंद्र के द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वहीं राज्य के द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र का अपना एक अलग संविधान होता है, उसी प्रकार से राज्यों के पास भी अपना एक अलग संविधान होता है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की या भारत की शासन व्यवस्था की, तो हम जब भी संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि भारतीय संविधान शासन व्यवस्था या भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन प्रणालियों का एक समग्र रूप है, एक मिला जुला रूप है। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है जो कि एकात्मक शासन प्रणाली का एक गुण है। ठीक है, और जब वहीं हम दोस्तों भारत में बात करते हैं अन्य शासन प्रणाली अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के, तो वहां हम देखने को मिलती, जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जब बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोहरी नागरिकता होती है। ये गुण हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी संघात्मक शासन प्रणाली के बहुत सारे गुण अभी भी भारतीय शासन प्रणाली में मौजूद है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली का मिला जुला रूप है। ठीक, थर्ड है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, तो जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसमें स्पष्ट तौर पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है संविधान के द्वारा लिखित रूप से। ठीक है, यहां आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर फोर है संविधान की सर्वोच्चता। तो इस प्रकार का जो भी स्टेट होता है या राज्य देश होता है, उस देश में जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, इसमें स्पष्ट तौर पर शक्तियों का विभाजन लिखित रूप से होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखित रूप से अगर आपको शक्तियों का विभाजन करना है तो वहां पर संविधान का शक्तिशाली होना आवश्यक है। जैसे अगर हम इसके अपोजिट में अगर एग्जाम्पल ले ब्रिटेन का, तो जब ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली जैसा कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता है, है ना? तो वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली लागू है। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर जो सभी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में ही निहित है, वहां पर दरअसल कोई राज्य है ही नहीं, है ना? इस प्रकार से दोस्तों, तो जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू है उन देशों के लिए आवश्यक है कि जो संविधान है वो एक स्पष्ट हो और सर्वोच्च हो, संविधान से ऊपर कोई ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से संविधान के साथ ही साथ में दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका भी सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका से भी ऊपर कोई नहीं होता है, न्यायपालिका अपने आप में एक सर्वोच्च स्थिति अपनी रखती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, ओके। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के बंटवारे की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो शक्तियों के बंटवारे की दोस्तों जब भी बात आए तो फर्स्ट से आप एक ही बात सोचेंगे कि ये सिर्फ संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ही होता है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या है। अच्छा, इस स्लाइड में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इस स्लाइड में शासन प्रणाली के जो विशेषता है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि एकदम ये सिंपल पॉइंट थे, इसमें कुछ भी समझाने जैसा दोस्तों है नहीं है। लगभग काफी सारे लेक्चर अपने हो चुके हैं जिसमें मैं बार बार आपको जैसे दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, प्रभु सत्ता, है ना, या शक्तियों का बंटवारा, इन पर पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, इसलिए मैं इतना आवश्यक नहीं समझ रहा हूं कि इसमें कि आपको डिटेल से यहां पर समझाया जाए, क्योंकि आप लगभग पूरी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, और लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो इसमें एक शॉर्ट वीडियो में इसका डिटेल में बना करके डाल दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इनको अभी डिटेल में लूंगा दोस्तों तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं चाहता नहीं हूं, और दरअसल समझाने जैसा इतना ज्यादा कुछ है नहीं है। आपके एग्जाम में जब लिखना होगा आपको तो इन पर एक समग्र रूप से दोस्तों 5 पॉइंट में आपसे विशेषताओं के साथ में आपसे कुछ, जैसे कि अगर आपसे शासन प्रणाली का आपसे अर्थ परिभाषाएं पूछ ली, उसके साथ में विशेषताओं को साथ में पूछा जाएगा अटैच करके स्वतंत्र रूप से, या फिर कहें कि सिर्फ विशेषताओं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, विशेषताओं के साथ साथ कुछ ना कुछ और भी पूछा जाता है। तो ये 5 पॉइंट लिखने के बाद में जितना भी मैंने आपको समझाया है उससे संबंधित 2 से 4 लाइन भी अगर आप लिखोगे दोस्तों तो आपका आंसर पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जिसमें हम देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के गुण। तो दोस्तों अब इसमें हम जानेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली की ऐसी कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इस शासन प्रणाली को प्रमुख बनाती है।
है ना। तो उसी को दोस्तों हम कहेंगे इसके गुण या इसकी उपयोगिता। तो एकात्मक संघात्मक शासन प्रणाली की उपयोगिताओं पर चर्चा करते हुए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें पहला पॉइंट है इसमें देखने को मिलेगा राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। अब जरा समझिए इसमें कि जिस देश में या जिस राष्ट्र में संघात्मक शासन प्रणाली का गुण मौजूद हो उस देश में दोस्तों सभी राज्य मिलकर कार्य करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सभी के पास में अपना अपना संविधान होगा, सभी के पास में लिखित रूप से अपने अपने अधिकारों के साथ साथ दोस्तों अपनी अपनी शक्तियां होगी। इस इनकी वजह से इस उचित बंटवारे के कारण दोस्तों कोई भी जैसे कि केंद्र को मान लीजिए या किसी सक्षम स्टेट को मान लीजिए वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे और ना ही निरंकुश कोई हो सकता है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं? क्योंकि केंद्र के पास में अपनी शक्तियां हैं, राज्यों के पास में अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। तो दोस्तों जब सबके पास अपनी अपनी अलग अलग लिखित रूप से स्पष्ट रूप से शक्तियां होती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन उनके पास नहीं होती है और वो मिलकर समग्र रूप से कार्य करते हैं जिससे देश का एक उचित दिशा में विकास संभव हो पाता है, है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता इस शासन प्रणाली के कारण बनी रहती है और स्थानीय स्वशासन जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज, इस प्रकार की शासन प्रणालियां भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कमजोर राज्यों को शक्तिशाली बनाने की प्रणाली। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इतने कई सभी देशों में, लगभग सभी देशों में सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम दोस्तों बात करें तो भारत में भी काफी, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हम उन राज्यों को काफी रूप से जो है अन्य स्टेट से या कि उत्तर या पूर्व के स्टेटों की अपेक्षा दोस्तों हम उनको काफी उच्च स्थिति में पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो दोस्तों इनकी स्थिति काफी उच्च है ना, काफी रिच स्टेट ये बन चुके हैं। वहीं जब हम बात करते हैं दोस्तों किसी पूर्वी स्टेटों की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, असम की, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तो इस प्रकार के कई सारे राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनका अभी तक उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो जिनके पास में विकास के उचित अवसर नहीं है, जो राज्य उचित रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे राज्यों को दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अगर एक व्यवस्थित रूप से उनको अपने अधिकार मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, केंद्र से स्वतंत्र होकर के वो अपना विकास कर सकते हैं, वो उचित रूप से अपना कार्य, अपना विकास कर सकते हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि कमजोर राज्यों के लिए ये एक वरदान के स्वरूप है जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मितव्ययिता और औद्योगिक विकास। तो दोस्तों जब प्रत्येक राज्य के पास में अपनी शक्तियां होगी, केंद्र से स्वतंत्र होंगे अपना कार्य करने के लिए, तो उस राज्य में औद्योगिक विकास होना जो है निश्चित हो जाएगा, आसानी से औद्योगिक विकास हो पाएंगे, मितव्ययिता रहेगी वहां पर, जो है वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या मौजूद नहीं रहेगी, उन समस्याओं का समाधान स्टेट या राज्य खुद स्वयं से कर सकता है। ठीक, मतलब ये कि इन अधिकारों के लिए इन राज्यों को फिर केंद्र पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है निरंकुशता का अंत। निरंकुशता आती काई से है शक्तियों के कारण, जैसे हम एकात्मक शासन प्रणाली में देख रहे थे कि वहां केंद्र को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी, तो वहां पर एक डर था कहीं ना कहीं कि केंद्र यहां निरंकुश हो सकती है। लेकिन जब संघात्मक शासन प्रणाली की दोस्तों हम बात करते हैं तो संघात्मक शासन प्रणाली में निरंकुशता का कोई खतरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि केंद्र के पास में अपनी खुद की शक्तियां हैं, राज्यों के पास में अपनी खुद की शक्तियां हैं, तो वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना का प्रसार भी इसमें काफी ज्यादा होता है। कारण उसका ये होता है दोस्तों कि सभी राज्यों के पास में अपने अपने शक्तियां होने के कारण, अपना अपना संविधान होने के कारण, उनकी स्वयं की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए दोस्तों सब अपने अपने टाइम पीरियड के अनुसार वहां पर चुनाव किए जाते हैं, चुनाव होते हैं, और चुनाव होने से दोस्तों क्या होता है कि सब नए नए लोग वहां पर उस चुनाव में अपना अपना भागीदारी देते हैं, अपना अपना हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अपना हिस्सा लेंगे उसमें और जो है चुनाव में भागीदारी देंगे, कोई पद पे खड़ा होगा। तो इस प्रकार से
पूरे स्टेट में राजनीतिक चेतना बनी रहती है, कई प्रकार के प्रचार प्रसार होते हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति में राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है। ठीक है, सबको अपने राजनीतिक अधिकारों का पता चलता है, उनका प्रचार होता है। इस कारण से कहा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक चेतना का प्रसार होना तय होता है। ठीक, नेक्स्ट है केंद्र की कार्यकुशलता में वृद्धि। अब जरा इस पॉइंट को समझिए कि केंद्र की कार्यकुशलता में किस प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली वृद्धि करती है। तो इस बात को अगर जब दोस्तों आप समझेंगे तो अब इसमें पाएंगे कि देखिए कि जब भी हम केंद्र की कार्यकुशलता में वृद्धि की बात करते हैं तो केंद्र सरकार चाहे किसी भी पार्टी से बनेगी, किसी भी देश की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी से बनेगी, अगर उसे अगले चुनाव में फिर से विजय होके आना है या अधिकतम बहुमत प्राप्त करना है दोस्तों, तो उसे अधिकतम राज्यों में अधिकतम कार्य करने होंगे। और जब अधिकतम राज्यों में वो अधिकतम कार्य करेंगे तो उससे संपूर्ण राज्यों का विकास होगा, और विकास होगा दोस्तों तो ही जनता केंद्र सरकार की ओर झुकेगी और केंद्र सरकार को वापस में बहुमत में लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो सरकार का यही कार्य अर्थात की यही मंशा जो होती है वापस से बहुमत में आने की, इस मंशा के कारण ही केंद्र सरकार को मजबूर होकर के राज्यों का विकास करना ही होता है, जनता के टच में आना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये केंद्र सरकार की कार्य कुशलता में भी वृद्धि करती है, करने की घोतक है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों अब देखेंगे हम कि इसी संघात्मक शासन प्रणाली में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, कुछ कमियां भी है। उन कमियों पर जैसा कि प्रति लेक्चर में या कहें कि प्रति टॉपिक में हम यही देखने का प्रयास करते हैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कि कौन से टॉपिक में कौन सी विशेषता है, अर्थात कि कौन सा सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, हम दोनों पर डिस्कस करने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसमें दोस्तों इसमें भी हम जो है संघात्मक शासन प्रणाली की अच्छी बातों पर तो हम गौर कर चुके हैं, अच्छी बातों को देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसके नकारात्मक पक्षों की कि इसमें नकारात्मकता क्या है, अर्थात कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोष क्या क्या है, कमियां क्या क्या है। ठीक है, तो प्रथम है प्रांतों द्वारा अलग अलग होने की संभावना या आशंका होती है। अब जरा इसको समझते चलिए, क्या होता है दोस्तों कि देश का आकार बड़ा होता है और बड़े देश का आकार ही, जिस देश का आकार बड़ा होता है वही संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है, एक्सेप्ट करता है। अब ऐसी संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र को अपने अपने अधिकार होता है, अपना संविधान होता है, राज्यों के पास भी अपने अधिकार है और अपना संविधान है, तो पृथक रूप से पूरी रूप से ये अलग अलग तौर पर ही अपने शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, चलाते शासन को चलाते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर एक आशंका उत्पन्न होने लगती है कि कोई देश, माफ कीजिए, कोई राज्य अगर इतना डेवलप हो जाए या कहें कि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो और उसके मन में ये आशंका आ जाए कि या केंद्र, इस केंद्र के साथ जुड़ करके तो हमारा विकास ही नहीं हो पा रहा है, अब हमें इससे अलग होना ही ज्यादा हमारे उचित होगा, हमारे विकास के लिए उचित होगा, अगर हम विकास करना चाहें तो में केंद्र से अलग ही होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर ये राज्य केंद्र से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर कि यहाँ पर राज्य जो है केंद्र से अलग होने की आशंका यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। जैसे अब दोस्तों जब हमने बात की थी कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली तो पाई जाती है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली का कौन सा गुण है, तो जरा देखिए कि संघात्मक शासन प्रणाली के बहुत सारे गुण इसमें मौजूद है, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं कि क्या हमारे भारत के भी राज्य हमारे केंद्र सरकार केंद्र से अलग हो सकते हैं, जैसे कि हम सोचे कि राजस्थान, क्या राजस्थान या उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट का ले लीजिए, क्या वो भारत से अलग हो सकता है ना, केंद्र सरकार से अलग हो सकता है, क्या अपने आप को एक अलग देश घोषित कर सकता है, तो दोस्तों हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर इसको नकार दिया गया है, इसके लिए मनाही कर दी गई है, कोई भी स्टेट केंद्र से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हमारी शासन प्रणाली जो है संघात्मक है और आंशिक रूप से जो है एकात्मक भी रूप धारण करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यहां पर यह एक आशंका होती है, इस कारण से ये इसमें एक कमी होती है इसकी। नेक्स्ट है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता क्यों होती है दोस्तों, कि जब पूरे देश की बागडोर किसी एक शासन के अंतर्गत निहित होती है ना, तो उस पूरे देश में एक जैसा कानून व्यवस्थाएं होती है, एक जैसी शासन प्रणाली संचालित होती है, तो वहां पर दोस्तों पूरी शासन प्रणाली जो होती है वो एक सुचारू रूप से संचालित होती है, एक अच्छे रूप से, एक
उचित तरीके से पूरी कानून व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है संघात्मक शासन प्रणाली की, तो इसमें सभी राज्यों के अपने अपने कानून होते हैं। अब किसी राज्य के कानून इतने कमजोर होते हैं कि वो अपना संचालन, अपने शासन का संचालन ही उचित तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो पृथक पृथक शक्तियों का जो अलग अलग बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया है, ये इसीलिए उचित नहीं है कि यहाँ पर आंतरिक रूप से दोस्तों अंदर ही अंदर अलग अलग राज्यों में या राज्य के अंदर भी यहाँ हमेशा विवाद बने ही रहते हैं, है ना। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता, अब ये भी एक प्रमुख कारण है कि आंतरिक रूप से तो आप सुरक्षित हो ही नहीं, लेकिन बाहरी क्षेत्र के हिसाब से भी आप सुरक्षित नहीं हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप सुरक्षित नहीं हो। क्यों नहीं हो सुरक्षित? क्योंकि केंद्र अगर एक के पास ही संपूर्ण शक्तियां होती तो पूरे विश्व में जाकर के वो जो है अपना लोहा मनवाते, वो अपनी सुरक्षा को निश्चित कर पाते। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है कि सभी राज्यों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं और सभी राज्य अपने अपने हिसाब से जो है अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियों का संचालन करते हैं। तो जब अलग अलग एक ही देश के अलग अलग लोग अपनी अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियां करते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों, तो वो अलग अलग होती है, टुकड़ों में हो जाती है, इस कारण से उनका प्रभाव ज्यादा उचित नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी यह निर्बल साबित होती है संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट है संघात्मक शासन में संगठन की जटिलता। संगठन की जटिलता कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में जो संगठन होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा कठिन कार्य होते हैं, उनका कठिन जो गठबंधन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कठिन होता है। ठीक, सीमा विवाद की आशंका, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो हमने देखा है इसी संबंधित है, ये भी सीमा विवाद की संभावना। तो सीमा विवाद की संभावना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनी रहती है और साथ ही साथ में दोस्तों ये विभिन्न राज्यों के बीच भी सीमा विवाद हमेशा चलते रहते हैं। जिस देश में अलग अलग राज्य होते हैं, सबका अपना अपना संविधान होगा, सबके अपने अपने नागरिक होंगे, सबके अपनी अपनी शक्तियां होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे दोस्तों कि एक राज्य दूसरे राज्य से ही जो है उचित रूप से व्यवहार नहीं करेंगे और हमेशा सीमाओं को लेकर के उनके बीच में, उनके मध्य में विवाद चलता रहेगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों वहां पर आंतरिक शांति जो है डिस्टर्ब होती है, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता में बाधक। तो बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता में संघात्मक शासन प्रणाली बाधक है। क्यों है बाधक? कि राज्य और केंद्र के मध्य में संबंध कैसे है, इसमें भी दोस्तों ये एक जो शक्तियों का बंटवारा किया गया ना, ये अड़चन डालता है, है ना, ये बाधाएं उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि यार कोई भी शक्तिशाली इंसान होगा, कोई भी शक्तिशाली स्टेट होगा, तो क्यों किसी के सामने झुकेगा? उसे पता है कि उसकी अपनी शक्तियां अलग है और अपनी स्वतंत्रता उसके पास में, उसकी स्वतंत्रता है, तो किसी के सामने वो क्यों झुकेगा? और ये ना झुकने की प्रवृत्ति ही दोस्तों उसको उसकी स्वतंत्रता से दूर लेके चली जाती है, उसको निर्बल बना देती है। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र और राज्यों के मध्य में या एक दूसरे राज्यों के मध्य में भी एकता जो है उनकी नहीं बन पाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। तो दोस्तों यहां पर उत्तरदायित्व बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, कि केंद्र सरकार को मतलब नहीं होता ज्यादा राज्यों से और राज्य सरकारों को भी ज्यादा मतलब नहीं होता केंद्र से। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर उत्तरदायित्व की भावना भी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसकी ये कमियां थी जिनको नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, ये आलोचकों का कहना है। ठीक है, तो हर एक व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां भी होती है और कुछ ना कुछ उसकी खूबसूरती भी होती है। हमें दोनों पक्ष को लेकर चलना है, है ना, एग्जाम में हमें दोनों पक्षों पर लिखना है दोस्तों, इसलिए दोनों पक्षों पर बराबर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पक्ष की, महत्वपूर्ण पॉइंटों की, जिसमें हम देखेंगे एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर है, और इसी के साथ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारा भारतीय शासन प्रणाली, हमारा भारतीय संविधान किस ओर झुका हुआ है। क्या पूरी तरह से एकात्मक है भारतीय शासन व्यवस्था या फिर पूरी तरह से संघात्मक है, और अगर दोनों नहीं है, पूरी तरह से दोनों नहीं है, तो ज्यादा किसकी ओर झुका हुआ है, एकात्मकता की ओर या संघात्मकता की ओर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और भारत के शासन प्रणाली किस दिशा में संचालित हो रही है। सबसे पहला है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दो अलग अलग इकाइयां होती है, इसी कारण से यहाँ पर एक लिखित संविधान होता है और उस लिखित संविधान में स्पष्ट तौर पर केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होगी और राज्य के पास कौन सी शक्तियां होगी ये स्पष्ट तौर पर लिख दिया जाता है, है ना, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए। और अक्सर विवाद जो होते हैं वो शक्तियों को लेकर ही होते हैं, इसी कारण से दोस्तों यहां पर लिखित संविधान पाया जाता है। क्लियर हुआ ये, है ना, तो ये तो अब सभी समझते हैं। और अब भारत की अगर दोस्तों बात करें तो भारत बिल्कुल जो है इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि राज्यों को स्पष्ट शक्तियां दी गई है। जैसे कि हम अगर आपको संविधान का थोड़ा बहुत भी पता होगा दोस्तों, हमारी अनुसूची 7 में स्पष्ट तौर पर जो है कुछ सूचियां दी गई है, जिसमें जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ऐसे तीन प्रकार की सूचियों की बात की गई है। तो इन तीनों सूची, राज्य सूची में राज्य के अधिकार समाविष्ट किए गए हैं, केंद्र सूची में केंद्र सरकार के अधिकार दिए गए हैं, और संवर्ती सूची में दोस्तों ऐसे अधिकार हैं जिनका प्रयोग दोनों कर सकते हैं मिले जुले रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में भी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों की स्थिति। प्रांतीय सरकारों की स्थिति, तो इससे लेकर के आप क्या समझेंगे दोस्तों, तो प्रांतीय सरकारों की स्थिति एक स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यहाँ पर राज्य स्वतंत्र होते हैं, है ना, केंद्र के अधीन नहीं होते हैं। वहीं जब हम एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी राज्य केंद्र के अधीन होते हैं, क्योंकि तो राज्यों को जो शक्ति प्राप्त होती, शक्ति मिलती, वो किससे मिलती थी? केंद्र से शक्ति मिलती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राज्यों की अपनी खुद की शक्तियां है, वो राज्य केंद्र से स्वतंत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में जो है केंद्रों प्रांत राज्यों की जो स्थिति है वो एकदम अलग देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता में अंतर। तो जी हाँ बिल्कुल, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, ये दो प्रकार की नागरिकता पाई जाती है पूरे विश्व में। ठीक है, तो किसी देश में एकल नागरिकता है, किसी देश में बहुल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, ये ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर जब दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान अधिकतर देखने को मिलता है। कैसे नागरिकता? दोहरी नागरिकता, अर्थात कि एक नागरिकता आपको केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी और एक नागरिकता आपको राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अमेरिका का सबसे उचित एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें इस पॉइंट को लेकर के, तो दोस्तों भारत इस पॉइंट से में अगर देखा जाए तो भारत संघात्मक शासन प्रणाली को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिर्फ एक ही नागरिकता होती है भारत में, अलग अलग नहीं होती है, दोहरी नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, हम देखेंगे संविधान के रूप का अंतर। तो एकात्मक शासन प्रणाली का संविधान अलग होता है, ऑब्वियसली अलग होगा, है ना, वो संघात्मक शासन प्रणाली का ऑब्वियसली अलग होगा। क्यों होगा, जरा समझिए बात को। अगर एकात्मक शासन प्रणाली है जैसे कि ब्रिटेन में है, तो दोस्तों वहां का संविधान अलग है जैसे कि अलिखित संविधान है, है ना, वहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं है। एकात्मक शासन प्रणाली में जब शक्तियां सभी एक ही व्यक्ति के पास में या एक ही सरकार के पास में, तो वहां शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। तो वहां पर संविधान में जो है वो जो तो जो सूचियों वाला पार्ट होगा वो सूचियों वाला पार्ट उसमें नहीं होगा, किसमें, भारत उस एकल नागरिकता के संविधान में, या फिर कहें कि एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में उसका एकदम अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के संविधानों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, दोनों संविधानों की अलग अलग विशेषताएं हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में एक जो है अलिखित संविधान भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में, लेकिन जब हम बात करें संघात्मक शासन प्रणाली की, तो संघात्मक शासन प्रणाली में लिखित संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। अलिखित संविधान के तहत संघात्मक शासन प्रणाली का संचालन असंभव है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के अंगों की शक्ति में अंतर। सरकार के अंगों की शक्ति में अंतर, एकात्मक शासन प्रणाली की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसके जो सरकार के जो अंग होते हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग होते हैं सरकार के, है ना, तो यही तीन अंग जो है आपके एकात्मक शासन प्रणाली के अंदर भी पाए जाएंगे और यही तीनों अंग आपके संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन जो डिफरेंस देखने को मिलता है इन तीनों इसमें जो है दोस्तों, एकात्मक शासन प्रणाली
में जहां सभी शक्तियां केंद्र के पास होती है वहां पर आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है दोस्तों आपको विधायिका के अधीन आपको देखने को मिलेगी। एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है या कहे कि अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाती है जैसे ब्रिटेन की। लेकिन जब संघात्मक शासन प्रणाली की दोस्तों हम बात करते हैं जैसे जैसे अमेरिका और भारत की, तो यहाँ पर न्यायपालिका अपने पूरे स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और वो सर्वोच्च होती है, पर्याप्त शक्तिशाली होती है, वो किसी के अधीन नहीं होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तीनों अंग है, तीनों अंग दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली में अलग अलग होते हैं, सब अपने आप में सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, तो इन पांच पॉइंटों के माध्यम से हमने एक संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली के बीच में अंतर को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और अभी कुछ दिन आपको ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बैठकर ही पढ़ाऊंगा, इसी प्रकार से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि जो हमारे जो सिस्टम है पूरा स्टूडियो दोस्तों, तो पूरा एक मॉडिफाई करवा रहा हूँ मैं उसको, तो अरेंज करवा रहा हूँ ठीक से, है ना। तो इस कारण से दोस्तों कुछ दिन आपको इसी तरह से क्लास में दे पाऊंगा, है ना। कोई भी डाउट हो दोस्तों हमारी बाकी फैसिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी। टेलीग्राम से आप अपने सभी लेक्चर को डाउनलोड कर पाएंगे। व्हाट्सएप और कॉल की सुविधा कंटिन्यू है आपके लिए, आप हमसे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस आपसे एक ही उम्मीद जो हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कि बस अपने जो लेक्चर होते हैं दोस्तों इनको प्लीज शेयर करते रहिए, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है अभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।